वी द पीपल, हम भारत के लोग, जब आप वी द पीपल के बारे में लोगों को बताने के लिए जाएंगे तो लोग बहुत सारे सवाल आप करेंगे, आप अधिकतर का आंसर जानते हैं, जवाब जानते हैं, मगर अगर उन्होंने ये आपसे पूछ लिया कि आप कौन हैं तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पास तो कोई पद नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, यहाँ कोई वी द पीपल में पद पोस्ट तो होता नहीं है। तो आप ये देखिए कि आपका सिद्धांत क्या है। आपका सिद्धांत है, एक ही काम है आपका, एक ही विचार है, एक ही एजेंडा है, जोड़ना है और जुड़ना है। तो जोड़ना और जुड़ने को आप क्या कर रहे हो बीच में? तो कहना कि हम फेविकॉल हैं, बिल्कुल सफेद हैं, प्योर हैं, दिल से भी प्योर हैं, दिमाग से भी प्योर हैं, शुद्ध हैं एकदम, और मजबूत जोड़ बनाने के लिए आए हैं दो लकड़ियों के बीच में, दो भाइयों के बीच में, प्यार से, भाईचारे से, करुणा से, मैत्री से। फेविकॉल का कोई वजूद नहीं होता। जब कोई घर की चीज वस्तु बनती है, चाहे वो मेज है, चाहे फर्नीचर है, चाहे वो पढ़ने की टेबल है, कुछ भी है, मगर बिना फेविकॉल के मजबूत चीज़, टिकाऊ चीज़ नहीं बनती, वो हिलेगी भी नहीं अगर आप फेविकॉल उसमें लगाएंगे। तो हमें ये सेक्रीफाइस करना है कि हम दो परिवार, दो लोग, दो भाइयों को चिपकाने के बीच में माध्यम है, इससे ज़्यादा हमारा कोई काम है नहीं। क्योंकि अगर हम चिपकाने में कामयाब हो गए और एक मजबूत हमने बॉन्ड बना दिया और हमने सबको चिपका दिया, तो हमारे सबके दुख दर्द वैसे ही दूर हो जाएंगे, हमारा फेविकॉल होने का काम पूरा हो जाएगा। इसलिए वी द पीपल का हर एक व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, अगर वी द पीपल का व्यक्ति बात करता है, किसी के पास कोई पद और कोई पोस्ट ना है ना रहेगा, वो सिर्फ जिम्मेदारी का एक लेवल रहेगा कि किसके पास कितने ज़्यादा काम है। कोई 4 लोगों को चिपकाएगा, कोई 40 लोगों को चिपकाएगा, कोई 4,000 लोगों को चिपकाएगा, कोई 4,00,000 लोगों को चिपकाएगा। तो जो जितना बड़ा चिपकाएगा उतना बड़ा फेविकॉल का डिब्बा होगा, समाज उसका उतना ज़्यादा मान सम्मान करेगा, उतना ज़्यादा आभारी रहेगा। आभार कर दे अच्छा है, ना करे कोई बात नहीं, जान तो अपनी भी बची ना। क्योंकि अगर फेविकॉल का जोड़ मजबूत रहेगा तो दोनों के बीच में फेविकॉल भी तो सुरक्षित है। अगर दोनों ही लकड़ियाँ अलग हो गई तो फेविकॉल भी तो बेकार हो जाएगा, उसकी भी तो मृत्यु हो जाएगी, वो भी तो खत्म हो जाएगा। तो ये मानते हुए कि भाइयों को चिपकाएंगे, सब लोगों को चिपकाएंगे, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो हमें सुरक्षित रहना है, इसलिए हमें इन लकड़ियों के बीच में बॉन्ड बन के सेक्रीफाइस करके चिपकाना है, दान दे के, यानी अपने जीवन का दान दे के, अपना समय दे के इनको चिपकाना है। और जब हम कामयाब हो जाएंगे तो लोग फेविकॉल को याद नहीं रखते, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, मगर जब आप अपना फर्नीचर घर में देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसको हमने जोड़ा है, हमने बनाया है, इतनी संतुष्टि क्या कम है, जीने के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा का करेंगे भी क्या। इसलिए हर फेविकॉल, मेरा मतलब है हर वो कार्यकर्ता जो जोड़ने और जुड़ने का या चिपकाने का काम कर रहा है, तन मन से लगे। इसमें धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी कि बातचीत करने के लिए धन की क्या जरूरत है, और अगर धन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो फाइनेंस का जो पूरा सेक्टर है वो आपकी मदद करेगा, घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं। धन्यवाद।